तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। मुझे बहुत अफसोस है कि कल मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में नहीं था। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था और कल लेट नाइट ही मैं कनेक्ट हो पाया। किसी भी चीज़ से मैं सब चीज़ों से कनेक्टेड नहीं था। तो मेरी बहुत बहुत बधाई सबसे पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स साथियों को, गार्जियंस को और सभी पेरेंट्स को। आप सभी के लिए ये एक अच्छा दिन है और ये अनएक्सपेक्टेड रहा वैसे कि क्लास ट्वेल्थ का जो बोर्ड रिजल्ट जो था वो सीबीएसई का, ये बताया जा रहा था कि बार बार मैंने अपने वीडियोस में डाला भी, मैंने बाकायदा काफी जो जो अच्छे सोर्सेज हैं उसके थ्रू से मैंने आपको दिखाया भी था कि एक्सपेक्टेड यही था कि थर्ड वीक ऑफ मई में ही आएगा। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि नोबडी कैन एक्सपेक्ट व्हाट सीबीएसई कैन डू। तो सीबीएसई ने वही किया, अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट को अनाउंस कर दिया कल यानी कि 2 तारीख को। और अब इस वक्त मैं आपको बताने आया हूँ कि क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो कैसा और कब आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, न्यूज 18 के तरफ से ये एक जारी हुआ है कि किसी भी समय आ सकता है 10th का रिजल्ट, सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट, 2019 का रिजल्ट। और ये आपको रिजल्ट बोर्ड जो है ये आपको ऑफिशियल उनका जो वेबसाइट है सीबीएसई का, cbse.nic.in या cbse.results.nic.in में किसी भी समय ये हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि सीबीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है किसी भी समय घोषित हो जाएगा। और अगर आधिकारिक सूत्रों का ये कहें तो देखिए, ये मैंने भी कहा, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये कहा कि सर ये आपने जो वीडियो डाला उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्यूजन नहीं था दोस्तों, उसमें सिर्फ यही था कि जिस वक्त मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था उस वक्त में यही था कि थर्ड वीक ऑफ में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली था, किसी ने ये गेस नहीं किया था कि 2 तारीख को, 2 मई को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अचानक घोषित हो गया। और उसी प्रकार अब ये एक्सपेक्टेड है कि 10th का जो रिजल्ट है वो भी इसी हफ्ते ही जारी हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि 5th, जैसा कि एक ये किया जा रहा है, गेस किया जा रहा है कि 5th ऑफ मई, तो मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से आज 3rd है, शायद कल ही आ जाए, ये भी हो सकता है, नहीं तो 5th तक आने की संभावना है। क्योंकि अगर हम पिछले साल का जो रिजल्ट हुआ था अगर उसको गौर करें तो 12th एग्जाम्स के रिजल्ट के ठीक तीसरे दिन में ही 10th का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। और देखिए, एक्चुअली में ये हेवड़ी इसलिए भी हो सकती है गाइस, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हैं और उससे पहले जो है ये हट जाए तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे सरकार का रहा होगा पॉलिसी, ये सोच रही होगी, और जो कि सही भी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है कि किसी भी समय पर सीबीएसई 10th की परीक्षा का रिजल्ट अब घोषित किया जा सकता है। और सुझाव दिया जा रहा है कि अपने रिजल्ट जानने के लिए आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.results.nic.in पर नजर बनाए रखें। हम आपको बताएंगे गाइज, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि कल मैं उस वक्त आपके साथ में नहीं रह पाया था और इसलिए कल मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं आप सभी के साथ में रहूंगा और पल पल की खबर हम आपको देंगे। और देखिए, मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, timesnownews.com पे जो सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से उधर आया नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि देखिए कि अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू रिलीज द सीबीएसई 10th रिजल्ट 2019 नेक्स्ट, अब तुरंत यही आने की उम्मीद है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट सीबीएसई 10th रिजल्ट 2019 मे रिलीज बाय मे 5th ऑफ 2019, मतलब 5 मई के पहले पहले देखिए आ सकता है, या तो 5th, क्योंकि देखिए 2nd को अगर हम पकड़ें तो 2 से 3 दिन अगर हम एवरेज लें तो 3rd 4th 5th, इस मींस ये हुआ कि 2 से 3 दिन अगर हम एवरेज लेते हैं तो यहाँ तक कि कल भी आ सकता है, यानी कि 4th मई को, या तो परसों भी आ सकता है। तो मतलब अब जो है वो टिक टॉक शुरू हो चुका है घड़ी का गाइस, और अब आपका जो रिजल्ट है वो आपके ये है। मेरे तरफ से एडवांस में ही मैं आप सभी पेरेंट्स को, गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को स्पेशली और टीचर्स को स्पेशली, मैं सभी को गुड विशेस एडवांस में देना चाहूँगा कि वो उन्होंने जितनी मेहनत की उस पर वो खरे उतरे। देखिए अब यहाँ पे आगे देखिए आप, इन अ सरप्राइज मूव, जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये बात उठाया कि सर ये शायद उन्होंने वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं उन्होंने देखा, वीडियो जो पोस्ट हुआ था उस समय तक में यही खबर थी। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, इन अ सरप्राइज मूव द बोर्ड अनाउंस द क्लास रिजल्ट टुडे।
breaking the practice of notifying a day earlier, the board this year informed all about the declarations minutes before actual announcement. तो रिजल्ट जो है देखिए गाइज वो 1 पीएम पे दोपहर के 1 बजे वो अनाउंस हुआ। उस वक्त दोस्तों मैं बहुत दूर था, मैं इवन अपने सेलफोन के साथ में भी एक तरह से बोलिए कि मैं उसको भी कोई भी कॉल्स को पिक नहीं कर पा रहा था। कोई दिक्कत नहीं गाइज, हम आपके साथ ही हैं, हम आपके साथ ही बने हुए हैं और बने रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और हम काफी एक्चुअली में लगे हुए हैं कि आप जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो आप लोग पास आउट होकर निकलेंगे तो आपको हम डायरेक्ट हम आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दें, आप भटके नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको इसको भी दिखा देते हैं। फर्स्ट पोस्ट की तरफ से ये जानकारी आई है, सेम चीज वही है यहाँ पे भी कि 5th को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन गाइज मैं तो अब ये नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है कि कल भी आ सकता है, बिल्कुल कल भी आ सकता है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ट्रस्टवर्दी के रूप में हम जाने जाना जाते हैं और एक्सपेक्ट जो आपका रहता है कि हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, हम उस पर खड़े उतरने की पूरी पूरी कोशिश हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरे लोगों तक शेयर करें और साथ ही साथ में जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ही करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आपके पास में अपने आप पहुंच जाए। और क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं हम हर वीडियो में हर बार लाते हैं कुछ नया कुछ खास, और जो भी मेरे हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ हमारे वीडियोस के सभी वीडियोस के ऊपर में कम से कम एक बार नज़र डालें, भले ही आप वीडियो बाद में देखें लेकिन एक बार नज़र डालें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो कोर फील्ड है हमने बहुत बड़ा कर रखा है, आपको इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से दें डिफरेंट कोर फील्ड से, ये हमारी कोशिश बनी रहती है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, विशाल कुमार जायसवाल के साथ में। जय हिंद जय भारत।